अयोध्या में कोरोना टीकाकरण के दूसरे फेज में 11 स्वास्थ्य केंद्रों के 22 स्टेशनों पर कोरोना का टीका लगाया गया। सभी केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। 11 केंद्रों पर करीब 1234 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीकाकरण करा। इस दौरान जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कोविड-19 टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक किसी भी बेनिफिशियरी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। कोरोना टीकाकरण के दूसरे फेज में अयोध्या जनपद के जिला पुरुष अस्पताल, जिला महिला अस्पताल, श्रीराम अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, CHC, माया बाजार, पूरा बाजार, सुहावल, मसौदा, मिल्कीपुर, बिकापुर और रुदौली केंद्र पर कोरोना का टीका लगाया गया। वहीं उच्च अधिकारियों ने भी विभिन्न अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लगभग सभी अस्पतालों में सुबह 10 बजे टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। सुबह के समय पोर्टल धीमा होने के कारण विवरण फीड करने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन दोपहर बाद रफ्तार से टीकाकरण कराया गया, जिसके बाद सभी अस्पतालों में टीकाकरण सकुशल संपन्न हुआ। 11 सेशन साइट्स पे 22 सेशन जो है वो कोविड वैक्सीनेशन के चल रहे हैं और सभी सेशन में 100-100 बेनिफिशियरीज को कोविड का टीका लगना है। मैंने अभी सुहावल और रुदौली में 4 सेशन का इंस्पेक्शन किया है। अभी और भी मिल्कीपुर और बीकापुर में करूँगा। हर जगह बहुत ही स्मूथली वैक्सीनेशन हो रहा है और इसमें कहीं भी कोई इसमें एडवर्स इफेक्ट कहीं भी वैक्सीन का नहीं आया है और बहुत सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस की ड्यूटी है, नोट लॉसर्स लगे हुए हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे डॉक्टर्स और MOIC सभी स्टाफ जो हैं बहुत वेल ट्रेंड हैं और अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जनवरी को कोविड-19 से बचाव के लिए बनाई गई वैक्सीन के उद्घाटन के बाद जिले में भी टीकाकरण शुरू हो गया है। जिले के 11 अस्पतालों में क्रमशः टीकाकरण किया गया है। प्रत्येक केंद्र पर 2-2 सेशन बनाए गए थे।